गाइस अगर आप भी यहाँ पे अपने व्हाट्सएप को ओपन कर रहे हो तो आपके साथ भी कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम लिख के आ रहा है, जैसे कि देख सकते हो दिस अकाउंट कैन नॉट यूज व्हाट्सएप। अगर ये प्रॉब्लम आप में भी शो कर रहा है ना, तो इस वीडियो को कम्प्लीट लास्ट तक वॉच कर लो, आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाने वाला है। तो चलिए मैं फाइनली आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो आपके साथ प्रॉब्लम इशू देखने को मिल रहे हैं उसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप पे आपको 2 सेकंड क्लिक करके रखना है। जैसे 2 सेकंड क्लिक करोगे ऐप इनको आएगा, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन होगा, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से पहले आपको क्लियर डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से क्लियर डाटा कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद फिर से आपको क्या करना है, व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। यहाँ पे जैसे व्हाट्सएप को ओपन करोगे तो देख सकते हो वेलकम टू व्हाट्सएप। तो अब भी यहाँ से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अलाउ मांगेगा, तो फिर से आपको अलाउ देना है। अलाउ देने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर में 3 डॉट देखने को मिल रहे हैं इसी 3 डॉट पे क्लिक करना है। हेल्प का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, उसके बाद यहाँ पे कुछ समय प्रोसेसिंग चलेगा। प्रोसेसिंग चलने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक न्यू इंटरफेस शो हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे फिर से आपके सामने कुछ इस टाइप से एक यहाँ पे आपको ऐड देखने को मिल जाएंगे, तो इस ऐड को आपको कट कर देना है। कट कर देने के बाद फिर से यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर से गाइस आपको एक न्यू पेज देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। तो अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन जरूर देखने को मिलेगा, देख सकते हो अकाउंट्स एंड अकाउंट्स बैन का, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे ने, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, अकाउंट्स का और अकाउंट बैन का। तो आपको अकाउंट बैन है तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे फिर से आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हो अबाउट टेम्पररी बैन अकाउंट, और यहाँ पे दूसरा में जो है अबाउट अकाउंट बैन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट बैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे उसके बाद फिर से आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे आना। नीचे आने के बाद इसी कॉन्टेक्ट अस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर से गए आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे फिर से स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हो व्हाट्सएप मैसेंजर सपोर्ट, तो आपको फिर से इसी पे क्लिक करना है। जैसे व्हाट्सएप मैसेंजर सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो फिर से आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे आना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए मैं बताते हैं कि आपको कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको, तो यहाँ पे कहाँ से आप रहते हो, मतलब कौन सा कंट्री से हो, तो यहाँ पे मैं अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इंडिया सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद फिर गई आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे ईमेल आपको फिलअप करना है, आपका जो ईमेल है वही फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद फिर से गई आपको स्क्रॉल डाउन करते नीचे आना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो यहाँ पे व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, एंड्रॉयड में कर रहे हो या फिर आईफोन में कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड में कर रहा हूँ इसलिए एंड्रॉयड सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर से आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद गई यहाँ पे अब आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यही आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गई आपको क्या करना है ना, यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका यहाँ पे अकाउंट बैन कर दिया गया है, लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आपका जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आपको फिलअप करना। अगर आपको यहाँ पे नहीं लिखने आ रहा है ना, तो गई आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद प्ले स्टोर में जाना और वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। उस एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पे टेलीग्राम। तो जैसे उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ, इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे उसके बाद सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने के बाद यहाँ पे जो मेरा चैनल का नाम है बिंदास हेल्प, तो वही आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे बिंदास हेल्प सर्च करोगे ना, तो मेरे चैनल का लोगो भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे लास्ट में ज्वाइन का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल से आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वहाँ पे आपको जाकर के पेस्ट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से आपको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर दीजिएगा। जो आपका मोबाइल नंबर में यहाँ पे आपका अकाउंट बैन कर दिया गया है, उसे अनबैन करना चाह रहे हो, उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सारा कुछ पहले फिलअप करके आपको आगे के प्रोसेस बता देते हैं। आप सारा कुछ फिलअप कर ले तो जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे उसके बाद फिर से आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे।
तो अब सिंपल से आपको क्या करना है, सेंड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे सेंड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, उसके बाद यहाँ पे जो आपका मैसेज है व्हाट्सएप कस्टमर केयर के पास यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 से 4 दिन वेट करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है अनबैन कर दिया जाएगा। आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सोल्व हो जाएगा, उसके बाद आप अपने व्हाट्सएप को यूज कर सकते हो। जैसे आपका व्हाट्सएप अकाउंट अनबैन हो जाता है तो आपको कुछ स्टेप से देखने को मिल जाएंगे, दिस अकाउंट हैज बीन रिक्वेस्टेड। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वेरीफाई अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे गई आपको लॉग इन कर लेना है मोबाइल नंबर फिलअप करके। फिलअप करने के बाद उसके बाद आप अपने व्हाट्सएप को यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी इशू देखने को नहीं मिलेंगे। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।